नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के स्टडीशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह नई नई जानकारी के लिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का। दोस्तों, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। क्या है नोटिस, चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस किस को यह भेजा गया है। दोस्तों, शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभागयुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश को यह नोटिस भेजा गया है। अब इसका विषय क्या है दोस्तों, कर्मचारी चयन मंडल ESV के द्वारा भी आयोजित होने वाली परीक्षा होती हैं दोस्तों, उनमें वन टाइम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करने के बाबत। तो दोस्तों, ESV के द्वारा जो भी एग्जाम होते हैं उनका एक साल में एक ही परीक्षा शुल्क दोस्तों लिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन की सुविधा दोस्तों इसमें की जाएगी। विषय अंतर्गत मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल समस्त परीक्षाओं में अब उम्मीदवार से एक ही बार परीक्षा शुल्क दोस्तों लिया जाएगा। तो ESV के द्वारा जितनी भी परीक्षा होंगी एक साल में एक ही परीक्षा शुल्क दोस्तों लिया जाएगा। आवेदक को मात्र एक बार में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए दोस्तों एक ही बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन करने के समय उसे निर्धारित परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क देना होगा। उसके बाद किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन करते समय उसे परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय MP ऑनलाइन का जो निर्धारित पोर्टल शुल्क रहता है वो दोस्तों देना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी एक वर्ष तक लागू रहेगा। तो आज के वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।